सिंगरौली में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जोरों पर है। इसी के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक वाहन से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा नशे के अवैध कारोबारों पर लगाम कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा लोड कर ले जा रहे एक वाहन को सरई पुलिस ने धर दबोचा। थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वाहन को धौहनी के जंगल में रोका गया और वाहन चालक बीनू प्रसाद साहू और रमेश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को आरोपियों के वाहन से एक सफेद बोरी में 20 किलोग्राम गांजा मिला है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरई थाना क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा सीधी जिले से लगता है बाड़ू का, और पिछले कई महीनों से लगातार जो गांजा बेचने वाले जो तस्कर हैं उनके खिलाफ लगातार सघन कार्रवाई कर रहे हैं, और पहले भी बड़ी खेप पकड़ी गई है और इसकी सूचना मिली थी कि अपने पास कि यहाँ पे कुछ गांजा तस्कर गांजा लेकर आने वाले हैं। उस सूचना पर जो है पूरी टीम जो है एम्बुस लगाकर बैठी और 3-4 घंटे की मेहनत के बाद और जो है उसको जो है एक बुलेरो गाड़ी में पकड़ा गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।